नमस्ते दोस्तों, यहाँ पे जो है एफडीए के तहत निकली हुई जगह है फार्मेसी के लिए। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एफडीए डिपार्टमेंट ने ये जगह निकाली है दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो यहाँ पे मैं जो न्यूज का शॉर्ट है वो लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो एफडीए अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ये एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो इसके तहत ये जगह बहुत ही दिनों बाद आई है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन ओनली 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 बी फार्मसी चाहिए दोस्तों, ओनली बी फार्मसी डिग्री चाहिए सिर्फ आपके लिए। तो बी फार्मेसी आपका क्वालिफिकेशन है और आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई डाउट नहीं है एक्सपीरियंस का, यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नो एक्सपीरियंस नीडेड, नो नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बी फार्मेसी आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों। बस इतनी ही इनका क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है दोस्तों। इसको लेकर के आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस को लेकर के कोई यहाँ पे झमेला खड़ा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बी फार्मेसी चाहिए। पोस्ट के नेम यहाँ पे दो पोस्ट है दोस्तों, एक तो यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट का पोस्ट निकल के आ रहा है और दूसरा जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का निकल के आ रहा है। तो एनालिटिकल केमिस्ट वाला जो है ये आएगा आपका ग्रुप बी का पोस्ट आएगा दोस्तों, ठीक है, ये जो है ये आएगा ग्रुप बी में। तो ये बहुत अच्छी बात है, ग्रुप बी का पोस्ट है जिसका सैलरी ग्रेड पे जो है बैंड बनाया हुआ है S14। तो अगर आप महाराष्ट्र के अंदर जो फार्मासिस्ट है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट उनका पे बैंड देखोगे तो S10 के अंदर आता है। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो S14 का बैंड यहाँ पे अलाउ किया गया है एनालिटिकल केमिस्ट को। और जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकल के आ रही है ये ग्रुप सी में आती है दोस्तों, जिसका पे बैंड यहाँ पे देखिए S13 लिखा हुआ है, S13 यहाँ पे आपका पे बैंड रहेगा दोस्तों, ठीक है। S13 में जा रहे हो आप, यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी और जॉब का लोकेशन होगा मुंबई या फिर नागपुर या फिर औरंगाबाद, जहां संभाजीनगर बोला जाता है, तो ऐसी जगहों पे आपको यहाँ पे जॉब का मौका भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा जॉब है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है आप लोगों के लिए। तो आप सोच सकते हो, थोड़ी कल्पना कर सकते हो, अगर थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट्स लगा के पढ़ाई करोगे तो आज अगर आप आपके जॉब को लेकर थोड़ा सा भी परेशान हो तो इसकी तैयारी क्यों ना कर सकते हो, एक मौका क्यों ना खुद को दे सकते हो दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे मैं आपको ओपन कैटेगरी का एज बता रहा हूँ। ओपन कैटेगरी के लिए उन्होंने बोला है मिनिमम 18 से ऊपर चाहिए और मैक्सिमम 38 के नीचे चाहिए दोस्तों, ठीक है। 18 और 38 के बीच में अगर आपका एज है ओपन कैटेगरी, ठीक है, ओपन कैटेगरी जिसके पास कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है या फिर कोई वो एक सर्विसमैन नहीं है या फिर वो गवर्नमेंट का आदमी नहीं है या फिर कुछ भी हो, उसके पास कुछ नहीं है, बस ओपन है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे 38 ईयर्स बोला है, बहुत एज भी दिया हुआ है दोस्तों। 38 मतलब कोई बड़ी बात हो रही है यहाँ पे, 38 वालों को भी यहाँ पे परमिट किया गया है कि ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको अलाउ किया जा रहा है। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी से शरीर से मेहनत करवाइएगा तो ये फॉर्म जो है कल से फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग भी फॉर्म को अच्छे से समझे, उसको फिलअप करें और फिर जो है तैयारी को स्टार्ट करें। और को तैयारी करने के लिए कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों, हमारा जो ये फार्मा नोट्स चैनल है आपसे पूरी तरीके से तैयारी करवा के लेगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें जो है खुल के सामने रख देगा, आपको पढ़ाई करना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बिल्कुल एकदम हैप्पीनेस के साथ में हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े ही सिंपल तरीके से जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे वैसे वैसे एग्जाम के क्वेश्चंस भी आपके इजीली सॉल्व होते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपके मन में जो भी मनमुटाव है, डाउट्स है, इसको लेकर के वो कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ बी फार्म क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, दोनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, दोनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, एनालिटिकल केमिस्ट को भी और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और इनका पे बैंड भी तकरीबन सेम ही है, S14 S13 ग्रुप बी ग्रुप सी का यहाँ पे क्राइटेरिया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप दोनों को अप्लाई कर सकते हो। और एज जो है 38 दिया हुआ है और कैटेगरी जो रिजर्वेशन है उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है एज के लिए, तो 3 3 साल पकड़ के चलिए, आप भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसको क्लियरली आप पढ़ ले, उसका साइट भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या साइट है यहाँ पे। तो यहाँ नीचे जाएंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लास्ट डेट दिया हुआ है फॉर्म भरने के लिए आपको 22 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, 22 अक्टूबर 2024 तक ये आपको दिया हुआ डेट है लास्ट डेट। आपके पहचान में कोई है जो परेशान है फार्मेसी करके तो उसके बताइएगा, ये बहुत बड़ी सुनहरा मौका अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए,
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत बड़ा जॉब निकल के आया है। उसको अपने आप को साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका उसको मिल रहा है यहाँ पे। और उसका फीस कितना है, आप अगर फॉर्म फिल करोगे तो ओपन कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज है, और बाकी जो भी लोग हैं उनके लिए 900 रुपये यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, 100 रुपये का कंसेशन है दोस्तों। और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी नोट कर लीजिएगा, www.fda.maharashtra.government.in, ठीक है, gov.in, ऐसे करके आपको उस साइट को कल से खोल सकते हो। और जो भी फॉर्म है उसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से फिल करे, तो ये जो है उसका निचोड़, जो भी एडवर्टाइजमेंट आई है उसकी खिलके उसका निचोड़ यहाँ पे मैं आपके साथ में दे रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में इसको लेकर के कुछ भी संदेह हो तो वो निकल जाए, ठीक है। क्लियर क्लियर चीज है, बी फार्मसी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। दो पोस्ट है, दोनों के दोनों आप अप्लाई कर सकते हो, यानी डबल अपॉर्चुनिटी है। तो ये यहाँ ओपन के लिए दोनों फॉर्म में जगह है, तो सभी लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे जगह है, एक जगह है फिर भी जगह है दोस्तों, आपको फिल तो करना ही है। तो जगह कितनी है उससे कोई लेना देना नहीं है, सभी के लिए जगह है। ओपन कैटेगरी के लिए है तो सबके लिए जगह है, तो सभी लोग यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। महिलाओं के लिए तो स्पेशल रिजर्वेशन है दोस्तों, महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्वेशन है, यानी कि महिला का कॉम्पिटिशन महिला के साथ में भी रहेगा और यहाँ बाकी जगहों के लिए भी रहेगा। तो महिला जो है खास करके इस जॉब को अपॉर्चुनिटी जो है एक्सेस कर सकते हो, ताकि आपका जॉब प्रोफाइल जो है एक लेडीज के लिए बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो लेडीज लोगों से भी यहाँ पे मैं कोई कहता हूं कि वो भी अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे बढ़ाए, और हमारा चैनल आपको असिस्ट करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रिपरेशन में। आपका एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे क्लियर कट है दोस्तों, आपका सैलरी भी यहाँ पे फिक्स है जो बहुत अच्छी सैलरी है, और शहरों में जॉब है, ताकि हमारे कल आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी स्कूल का कोई टेंशन नहीं रहेगा। शहरों में हॉस्पिटल्स का एक्सेस अच्छा रहता है, सभी जो फैसिलिटीज रहते हैं उनका एक्सेस अच्छा रहता है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहता है, ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी एंटरटेनमेंट है। तो ये सिटी में जॉब है, तो इसको लेकर के कोई संदेह ना रखना, ये बहुत अच्छा जॉब है, इसको प्रिपेयर करना, तैयारी स्टार्ट करना दोस्तों, फॉर्म फिल कर देना, उसके बाद में थोड़ा सा एक फील आ जाएगा, मूड आ जाएगा, और हमारा चैनल के जरिए आपको रोजाना यहाँ पे वीडियोज मिलते रहेंगे, जो इस वीडियोज को देख के बहुत अच्छा महसूस होगा, आत्मविश्वास आएगा। आपकी आज पढ़ाई नहीं भी है, आप जीरो भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा चैनल आपसे पूरा पूरा प्रिपरेशन करवा के लेगा, ये हम हमारी तरफ से गारंटी लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, इनके जो भी सिलेबस आता है उसको लेकर के और उसके एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे, सुलझाते जाएंगे, हर एक कड़ी को सुलझाते जाएंगे, तो जो एग्जाम है वो बहुत बड़ा कोई मुकाम नहीं रहेगा, बहुत उसको हमारे लेवल तक, छोटे लेवल तक आ जाएगा। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपको यहाँ पे बड़ा आत्मविश्वास के साथ में एग्जाम निकालने का जो हौसला है वो प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा, क्योंकि हमें तैयारी तो करनी है, और ये चैनल बड़ी शिद्दत से आपके साथ में तैयारी करवा के लेगा, ये हमारी तरफ से आपको मैंने भरोसा दिया है, तो करवा के लेंगे ही लेंगे जरूर। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।